दोस्तों लग नहीं रहा था कि विक्की भैया इतनी अच्छी जगह बना लेंगे बिग बॉस के घर में अपने लिए, क्योंकि यार देखो सिचुएशन बड़ी ही सीरियस है, सब ही सीरियस बैठे हुए, लेकिन एक विक्की भैया हैं जिनके चेहरे पे हमेशा ही हंसी रहती है। मतलब कहते हैं ना, मैं तो हंसूंगा चाहे कुछ भी हो। आप जानते हैं विक्की भैया जब आए थे बिग बॉस में, हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या ही करेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये इसी तरीके से हंसी मजाक कर देती है ना, तो बिग बॉस में एंड तक ही टिकने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बिग बॉस एक ना एक ऐसे खिलाड़ी को जरूर ही रखते हैं अपने घर में जो कि थोड़ा सा एंटरटेन करता हो। मतलब यार मुनावर फारूकी भी है, इतना अच्छा दिमाग वाला प्लेयर मिल गया, मतलब जो अच्छी जमने वाली है वो विक्की भैया और मुनावर में काफी अच्छी बनने वाली है। क्योंकि यार देखो बिग बॉस को जो आगे अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छा शो दिखा रहे हैं, वो ये दो खिलाड़ी हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि विक्की भैया को इतना ज्यादा ऑडियंस क्यों पसंद कर रही है, क्योंकि यार ये बंदा एकदम रियल दिख रहा है, एकदम रियल, मतलब कोई भी फेक नहीं, कुछ नहीं, जो करना एकदम खुले आम करना। हाँ शुरू शुरू में आकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर करना क्या है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो बिग बॉस कोई टास्क दे रहे थे ना ही कुछ बोल रहे थे, बस आपस में छोड़ दिया, ऐसे लगता था जैसे कि जंगल में छोड़ दिया कि कर लो जो करना है। इसलिए इन्होंने जो ना बच्चों बच्चों वाले गेम भी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि इस बार विक्की भैया कुछ ना कुछ तो दम काटने वाले हैं।